हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ अंकित नायक एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बल्किंग ऑफ सैंड बारे में। बल्किंग ऑफ सैंड का मीनिंग क्या होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसका कंक्रीट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और बल्किंग ऑफ सैंड हमको क्यों करना चाहिए, तो ये सारे टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले सवाल ये होता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड। अगर सिंपली में हम कहेंगे कि बल्किंग ऑफ सैंड का यह मीनिंग है कि वॉल्यूम जो होता है इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन सैंड। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर सैंड में हम लोग वाटर ऐड करेंगे, जो वाटर क्या करता है, सरफेस टेंशन क्रिएट कर देता है और एक थीन फिल्म का एक लेयर फॉर्म कर देता है जो सैंड पार्टिकल से बाहर। तो इसीलिए क्या होता है, जो सैंड पार्टिकल से कोई दो सैंड पार्टिकल के अंदर कोई अट्रैक्शन और कोई कंटैक्ट नहीं रहता है, तो इसीलिए क्या होता है, हमारा जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। तो ये मोटा मोटी हो गया आपका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि इसके सरफेस टेंशन वजह से सैंड पार्टिकल्स के अंदर कोई कंटैक्ट नहीं है, कंटैक्ट फोर्स नहीं है, तो इसीलिए जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। सो नेक्स्ट आएंगे, जो बल्किंग ऑफ सैंड होता है वो क्या रिलेट होता है हमारा मॉइस्चर कंटेंट से। मॉइस्चर कंटेंट से क्या रिलेटेड है बल्किंग ऑफ सैंड का, तो पहले पॉइंट ये है कि जो वॉल्यूम, जो बल्किंग ऑफ सैंड होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीजेस होता है क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। क्योंकि जो सैंड मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है, तो इसीलिए जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है सैंड का। लेकिन ये भी एक देखना पड़ेगा कि जहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो सैंड मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है, इसका एक सर्टन क्राइटेरिया होता है। जैसे आपका जब भी जो मॉइस्चर कंटेंट होगा, जो सैंड जो मॉइस्चर कंटेंट ऑब्जर्व करेगा, जब भी 6 to 10% वो ऑब्जर्व करेगा, उसमें क्या होता है, जो वाटर पार्टिकल पहले से जो थिन लेयर फॉर्मेशन किया था ड्यू टू द सरफेस टेंशन, उसमें क्या होगा, वो रिड्यूसेस और ब्रेकिंग हो जाएगा। तो ब्रेकिंग होने वजह से जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता है, वॉल्यूम रिड्यूसेस हो जाता है। तो इसीलिए अगर फर्दर सैंड भी मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा तभी कोई बल्किंग नहीं रहेगा। तो ये एक हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि 6 to 10% जब मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है सैंड, तो इसीलिए जो होता है, जो फिल्म पहले से होता है वाटर पार्टिकल का, वो ब्रेकिंग हो जाता है। तो इसीलिए जो वॉल्यूम होता है वो रिड्यूस होता है। इसीलिए बाद में जितना भी सैंड मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा उसमें बल्किंग कोई कुछ भी नहीं आएगा, बल्किंग का कुछ इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। थर्ड चीज़ ये है कि अगर मॉइस्चर कंटेंट सैंड में 5 to 10% है, तो जो हमारा वॉल्यूम होता है वो 20 to 40% बढ़ जाता है। तो ये एक पॉइंट है। एंड जो कंस्ट्रक्शन, हम जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे, जो सैंड को यूज़ करते हैं, इसका जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो लेस देन 5% होना चाहिए फॉर यूजिंग द कंस्ट्रक्शन साइट। सो ये मोटा मोटी वहाँ हो गया कि व्हाट इज़ द रिलेशन रिलेटेड टू द मॉइस्चर कंटेंट फॉर बल्किंग। तो अभी ये आ गया कि बल्किंग का पार्टिकुलर साइज ऑफ सैंड से क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे फिगर हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज में ये है कि परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर एडेड बाय मास टू ड्राई रोडेड सैंड, एंड हियर वाई एक्सिस में परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ओवर ड्राई रोडेड सैंड। इस ग्राफ में लास्ट में बता दूंगा इन डिटेल्स में कैसे इसको टेस्ट करेंगे और कैसे ग्राफ बनाएंगे। तो अभी ये जो तीनों लेयर दिख रहे हैं, एक रेड लाइन, एक ब्लू लाइन और एक ग्रीन लाइन, तो ये रेड लाइन हो गया फाइन सैंड, ये मीडियम सैंड और ये कोर्स सैंड। इसीलिए ये जो ऊपर वाला रेड लाइन है वो फाइन सैंड है और इसका बल्किंग सबसे ज़्यादा है। इसका रीजन ये है क्योंकि जो फाइनर पार्टिकल जो होता है उसमें वॉइड ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर मीडियम सैंड एंड
कोर्स सैंड। सो इसीलिए जो ऑब्जर्व करने का, जो वाटर ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी होता है वो फाइन पार्टिकल में ज़्यादा होता है, इस वजह से जो बल्किंग आता है वो फाइन सैंड में ज़्यादा आता है एज़ कंपेयर करेंगे हम मीडियम एंड कोर्स सैंड से। तो अभी ये आ गया कि फेनोमिना बल्किंग अप्लीकेबल टू एग्रीगेट्स। तो इसमें ये है कि आप जो बल्किंग होता है वो सेफ और सेफ फाइन एग्रीगेट के लिए है, तो कोर्स एग्रीगेट के लिए बल्किंग का कुछ रिलेशन नहीं है। इसका रीजन ये है कि कोर्स एग्रीगेट में हम लोग देखेंगे जो पार्टिकल का शेप होता है, जो साइज होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, तो इसीलिए वॉइड्स जो रहता है, वॉइड का स्पेस रहता है वो काफ़ी कम रहता है, इसीलिए वाटर ऑब्जर्वेशन इतना बिल्कुल नहीं होता है। तो इसीलिए जो कोर्स एग्रीगेट के लिए बल्किंग का कोई रिलेशन ही नहीं है, ओनली इट इज एप्लीकेबल फॉर द फाइन एग्रीगेट। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इफेक्ट डॉज बल्किंग हैव ऑन फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट में बल्किंग का क्या इफेक्ट आता है? पॉइंट नंबर वन, उसमें ये होता है द एक्सेस वाटर इन द सैंड कैन बी यूज्ड टू मेंटेन वाटर सीमेंट रेशियो। अगर हमारा वाटर जो सैंड पार्टिकल में एक्सेस हो गया तो ये वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है उसको काफ़ी मेंटेन कर देता है और जो वर्कबिलिटी होता है वर्कबिलिटी को बढ़ा देता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाता है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ वाटर इन द सैंड। ये एक रीज़न है इफेक्ट। और सेकेंड रीज़न ये है कि हम लोग बैचिंग पढ़े थे, तो बैचिंग दो टाइप का होता है, एक होता है वेट बैचिंग और एक होता है वॉल्यूम बैचिंग। जब भी वेट बैचिंग करेंगे तो इसके कोई रिलेशन नहीं है हमारा बल्किंग से वेट बैचिंग में, लेकिन अगर हम वॉल्यूम बैचिंग कर रहे हैं और जो हमारा वेट ऑफ द वॉल्यूम मिक्स रीजन के लिए हम लेंगे और उतना ही ले लिए विदाउट बल्किंग ऑफ सैंड को कंसिडर करके, तो ये इम्प्रॉपर मिक्स हो जाएगा, डिसअप्रोप्रिएट हो जाएगा एंड नॉन यूनिफॉर्म कंक्रीट मिक्स हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये दो मेन इफेक्ट है जहाँ की फ्रेश कंक्रीट के ऊपर वर्किंग का जो इफेक्ट पड़ता है, ये दो पॉइंट जनरली होता है। तो अभी मोटा मोटी अब हम लोग तो डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्किंग ऑफ सैंड, देन व्हाई इट इज़ नीडेड, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द कंक्रीट एंड पार्टिकल साइज का हिसाब से वर्किंग ऑफ सैंड कितना आना चाहिए। तो ये सारे हम लोग का टॉपिक कवर करती है। तो अभी ये देखेंगे कि जो परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन करेंगे परसेंटेज ऑफ वर्किंग को। सो अकॉर्डिंग टू द IAS कोड 2386.3, इसका दो मेथड होता है एक्चुअली बल्किंग परसेंटेज वर्किंग को कैलकुलेशन करने के लिए। देखिए मेथड वन में ये होगा कि एक कंटेनर हम लोग लेंगे, उसमें जो कैपेसिटी होता है कंटेनर का उसका 1/3 हम लोग सैंड मॉइस्ट सैंड से उसको भरा देंगे। जितना 1/3 हम भराएंगे उसका जितना हाइट आएगा जो बॉटम से और जो सैंड का हाइट उसका मेजर करेंगे, उसको एस लिख देंगे। सपोज एस इज इक्वल टू 200 mm हो गया, 300 mm एक्सेट्रा। आफ्टर दैट जो सॉइल पार्टिकल हम लोग जो कंटेनर में डाले थे उसको ला के बाहर रख देंगे और वही कंटेनर में जो वाटर होता है वाटर का आधा जो कंटेनर का कैपेसिटी आधा वाटर हम लोग फिलअप करा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितना हम क्वांटिटी लिए थे सैंड का उसका आधा सैंड हम लोग क्या करेंगे वो कंटेनर में डालेंगे। कंटेनर डालने के बाद जितना सैंड पार्टिकल 1/3 आया था उसी हिसाब से वही हाइट आने के लिए हम लोग को वाटर ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है और जो नीचे पार्टिकल सैंड पार्टिकल जो बैठ जाएगा और उसका हाइट जो आएगा उस हिसाब से हम लोग को मेजर करना है। जैसे हम लोग 1/3 अभी हाइट होने से अभी सैंड पार्टिकल कितना आ रहा है और वाटर कितना आ रहा है, तो जितना सैंड पार्टिकल का हाइट आएगा उसको हम एच डैश बोल देंगे, जिसे लेवल द टॉप सरफेस ऑफ द इन अनड्यूरेटेड सैंड एंड मेजर इस डेप एच डैश एट द मीडियल। सो इसको अभी तो पता हो गया, तो ये फॉर्मूला डाल के हम लोग परसेंटेज बल्क निकाल सकते हैं। तो ये एक मेथड हो गया। मेथड टू में सिर्फ यही है कि अगर एक 250 ml का कंटेनर कैपेसिटी ले लेंगे और उसके क्या करेंगे जो 200 ml का मॉइस्ट सैंड लेके उसको मार्क करके उसको डाल देंगे। अभी डालने के बाद क्या करेंगे कि
जो वाटर होगा वाटर को पूरा ऐड करा देंगे अप टू द टॉप ऑफ द कंटेनर। जैसे 250 ml कैपेसिटी है तो अभी 200 ml का हम लोग सैंड भरा दिए, जो 50 ml भरा हुआ उसमें क्या किया हम वाटर डाल दिए। वाटर डालने के बाद उसको स्टेरिंग करेंगे, स्टेरिंग करने से बाद जो वाटर ऑब्जर्व हो जाएगा अभी देखेंगे उसका हाइट कितना आ रहा है। तो जो लेवल ऑफ द टॉप ऑफ द सैंड आएगा उसको हम वाई बोलेंगे। तो अभी उसको ये फॉर्मूला 200 / y - 1 × 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा कितना बल्किंग हो रहा है। तो इस मेथड में हम लोग इस दो मेथड में हम करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू IS-2386। ये हो गया हम कैसे परसेंटेज बल्किंग निकालेंगे। अभी आ गया एक ग्राफ। ग्राफ में जो फाइन सैंड है, मीडियम सैंड एंड कोर्स सैंड है, इसको ये ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे और इसको लेबोरेटरी में हम कैसे किसे टेस्ट करेंगे। सपोज मान लीजिए हम 500 ml का सैंड पार्टिकल ले लें, तो अभी 500 ml ड्राई सैंड ले लेंगे, उसका मेजर करेंगे, उस मेजर करने के बाद उसको एक कंटेनर में डालेंगे, देखेंगे कितना हाइट आ रहा है। अभी सपोज मान लीजिए कि 500 ग्राम हम लोग सैंड लिए थे और जो कंटेनर है उसमें आ गया 340 ml समथिंग कुछ आ गया, तो वो हाइट को मेजर करेंगे। अभी क्या करेंगे उसमें 1% ऑफ वाटर डालेंगे, तो 500 ग्राम का 1% हो गया 5 ग्राम, तो 5 ग्राम वाटर अभी उसके डालेंगे, फिर उसको पोर करेंगे। अभी देखेंगे वही कंटेनर में कितना हाइट आ रहा है, तो जितना हाइट आएगा वो जो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कैलकुलेशन होता है वो फॉर्मूला डाल के हम लोग ये निकालेंगे कि कितना हमारा वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो इस वजह से हम ऐसे 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 करेंगे, जब तक जो वॉल्यूम डिक्रीजेस नहीं होगा तब तक हम लोग करेंगे। तो एक सर्टेन पॉइंट इस ग्राफ को हम लोग इसे ड्रा करके चले जाएंगे, तो इसका ड्रा करने से चले करने के बाद अभी ये पता चल जाएगा कि कितने परसेंटेज वार्ड आर्ट करने से वजह से वो सबसे ज़्यादा बल्किंग आएगा। तो इस हिसाब से हम लोग बल्किंग ऑफ सैंड को भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर कोई डाउट है या कुछ मेरे से गलती हो गया इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन बताने के लिए तो नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा उसको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और ये जो मेरा ब्लॉग है इसको यहाँ पे मैं सारे डेली अपडेट देता हूँ सिविल इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के लिए, एंड जो टॉपिक्स होता है जैसे ये हो गया बार बेंडिंग शेड्यूल हो गया, तो काफ़ी चीज़ मैं उनको डेली अपडेट करता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो वो भी देख सकते हैं। सो थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।